दोस्तों स्टारडम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। किसी एक्टर को यह हासिल होने के बाद उनका आम लोगों के बीच निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है और भारत में बॉलीवुड स्टारों की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जहां कई बार इनको उनके फैंस बेहद बुरी तरह से घेर लेते हैं, जहां ऐसे मौकों पर उनका साथ देने के लिए उनके पास उनके बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड सितारों की तरह ये बॉडीगार्ड भी हमेशा चर्चा में रहते हैं, जहां पर ये अपने स्टार को किसी भी परिस्थिति से निकाल कर बाहर ले आते हैं। ये बॉडीगार्ड हमेशा उनके साथ होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में शिरकत करने पहुंचे या फिर शूटिंग पर हो। और आज हम इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं टॉप 7 बॉलीवुड स्टार्स के महंगे बॉडीगार्ड की सैलरी के बारे में। इसलिए वीडियो को लाइक करके बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 7, दीपिका पादुकोण। दोस्तों दीपिका पादुकोण बीते कई सालों से इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। फिल्म ओम शांति ओम से डेब्यू करने के बाद आज तक वो टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में बनी हुई है। दीपिका जब भी लोगों के बीच होती है तो कई लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। ऐसे में दीपिका को पूरी तरह से भीड़ से सुरक्षित रखने की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं उनके बॉडीगार्ड जलाल। बीते कई साल से वो इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। खबरों की माने तो दीपिका पादुकोण अपने बॉडीगार्ड जलाल को सिर्फ एक सहयोगी स्टाफ नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह मानती है। इसलिए कई सालों से इस पद पर जलाल ही काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोग ये तक बताते हैं कि दीपिका जलाल को मुंह बोला भाई मानती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका की सुरक्षा करने के लिए जलाल को काफी मोटी सैलरी मिलती है। जलाल का सालाना पैकेज 80 लाख रुपए के करीब है। हालांकि कई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2017 में जलाल की सैलरी को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया था। नंबर 6, अनुष्का शर्मा। दोस्तों आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा के पर्सनल बॉडीगार्ड का नाम सोनू है। सोनू सलमान खान के बॉडीगार्ड सेरा की तरह उतने मशहूर तो नहीं है, लेकिन उनके रुतबे सेरा से कम भी नहीं है। करोड़ों में सैलरी लेने वाले सोनू हर वक्त अनुष्का के साथ साये की तरह रहते हैं। सोनू का पूरा नाम प्रकाश सिंह है, लेकिन अनुष्का उन्हें प्यार से सोनू कहकर बुलाती है। जब भी अनुष्का घर से निकलती है तो वो हमेशा उनके साथ नजर आते हैं। आपको बता दें कि सोनू अनुष्का शर्मा की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा सजग रहते हैं और जरा सी भी चूक होने नहीं देते। शायद ऐसा कभी हुआ हो कि सोनू अनुष्का के साथ नहीं दिखे हो। वो हमेशा ग्रे कलर की सफारी सूट में अनुष्का के पीछे खड़े नजर आई जाते हैं। अनुष्का उन्हें अपने फैमिली मेंबर की तरह ही समझती है और यही वजह है कि अनुष्का हर साल सोनू का बर्थडे अपने अंदाज में सेलिब्रेट करती है। जब से अनुष्का शर्मा की शादी हुई है तब से सोनू विराट कोहली को भी पूरी सुरक्षा देते हैं और विराट अनुष्का की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा अपने बॉडीगार्ड सोनू को सालाना 1.2 करोड़ रुपए की फीस देती है। नंबर 5, अक्षय कुमार। दोस्तों आज के टाइम पर बॉलीवुड के सबसे चहेते स्टार अक्षय कुमार है। इनकी लगभग हर फिल्म सुपरहिट होती है और इनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में तो सर चढ़कर बोलती है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे फिट एक्टर माने जाने वाले अक्षय कुमार भी बॉडीगार्ड रखते हैं। दरअसल फैन से ये बॉडीगार्ड ही उनकी सुरक्षा करते हैं। वो जब भी फैमिली के साथ कहीं बाहर निकलते हैं तो बॉडीगार्ड उनके साथ जरूर होते हैं। ये बॉडीगार्ड अक्षय और उनकी फैमिली की सुरक्षा में हर पल चौकन्ने रहते हैं। आपको बता दें कि अक्षय के बॉडीगार्ड का नाम श्रेष्ठ ठेले है। जब भी अक्षय घर से बाहर निकलते हैं तो श्रेयस भी अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। इनके बॉडीगार्ड के रहते हुए कोई भी अक्षय को छू तक नहीं सकता। 24 घंटे अक्षय की ड्यूटी करने वाले श्रेयस ठेले की सैलरी भी कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार अपने बॉडीगार्ड श्रेयस ठेले को 1.2 करोड़ रुपए की सैलरी देते हैं। इस हिसाब से हर महीने श्रेयस 10 लाख रुपए का वेतन पाते हैं। नंबर 4, अमिताभ बच्चन। दोस्तों बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हमेशा से अपनी दमदार शख्सियत के लिए मशहूर रहे हैं, जहां वो अपनी पर्सनल टीम के साथ ही हमेशा चलते हैं। उनकी टीम में सबसे अहम रोल निभाते हैं अमिताभ बच्चन को उनके फैंस से बचाने वाले उनके बॉडीगार्ड। अमिताभ बच्चन आज भी लगातार फिल्मों और टीवी पर काम कर रहे हैं, जहाँ उनकी सुरक्षा का भी काफी ख्याल रखा जाता है। आपको बता दें कि बिग बी अपने बॉडीगार्ड को भी काफी तगड़ी सैलरी देते हैं। जी हाँ, बिग बी के बॉडीगार्ड का नाम जितेंद्र शिंदे है, जो हमेशा उनके साथ नजर आते हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अमिताभ बच्चन हर साल जितेंद्र शिंदे को 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितेंद्र अपनी खुद की भी एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक है। नंबर 3, आमिर खान। दोस्तों आज आपको मिलवाते हैं मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहे जाने वाले एक्टर आमिर खान के बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े से। देश भर में होने वाले आमिर के कार्यक्रम, फिल्मों के प्रमोशन, शूटिंग सेट से लेकर विदेश यात्राओं के दौरान भी युवराज आमिर खान के साथ नजर आते हैं। बीते कई वर्षों से आमिर खान युवराज पर भरोसा जता रहे हैं। आमिर खान का कदम घर से बाहर निकलता है तो बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े एक्टिव हो जाते हैं। उनकी नजरें चारों तरफ रहती है और आमिर खान पर आने वाले हर खतरे को पहले ही भांप लेती है। इस काम के लिए आमिर खान उन्हें 2 करोड़ रुपए सालाना सैलरी देते हैं।
नंबर टू पर है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। दोस्तों सलमान खान की फैन फॉलोइंग से सब वाकिफ है, इनके करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन फिर भी सलमान खान को कोई छू तक नहीं सकता और इसकी वजह है उनके बॉडीगार्ड सेरा। सलमान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके बॉडीगार्ड सेरा के कंधों पर है। सेरा करीब 20 सालों से सलमान खान के साथ है। आपको बता दें कि सेरा एक सिख फैमिली से नाता रखते हैं। उनका असली नाम गुरमीत सिंह जोली है। 1995 में एक पार्टी में सेरा की मुलाकात सलमान और उनके भाई अरबाज से हुई थी। इस पार्टी के बाद सेरा के पास अरबाज का फोन आया और उन्होंने सेरा को बुलाया। सलमान को उस वक्त एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी और अरबाज ने सेरा और सलमान को मिलवाया और उस दिन से लेकर आज तक सेरा सलमान खान के साथ हर पल दिखते हैं। सेरा को सलमान खान की परछाई कहा जाता है। दरअसल सलमान को जहां पहुंचना होता है सेरा उस जगह का एक दिन पहले ही जायजा ले लेते हैं। इसके लिए कई बार वो 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। सेरा का सलमान खान के साथ इमोशनल बॉन्ड इतना है कि फिल्म बॉडीगार्ड को सलमान ने सेरा को समर्पित किया था और इस फिल्म के टाइटल ट्रैक में दोनों साथ डांस करते भी दिखे थे। खुद की सिक्योरिटी कंपनी भी चलाते हैं। इन्होंने 1993 में टाइगर सिक्योरिटी नाम से कंपनी खोली थी। ये कंपनी बॉलीवुड स्टार्स को सुरक्षा मुहैया कराती है। कहा जाता है कि सलमान खान के बॉडीगार्ड बनने से पहले वो हॉलीवुड स्टार्स की सिक्योरिटी किया करते थे। दोस्तों अगर सलमान खान के बॉडीगार्ड सेरा की सैलरी के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इन्हें 15 से 16 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है, यानी कि एक साल की सैलरी 2 करोड़ रुपए। दोस्तों जहां पूरी दुनिया यहां तक कि लड़कियां भी सलमान को सलमान भाई कहकर पुकारती है, वहीं सेरा सलमान को मालिक कहते हैं। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया भर में है। वो जहां भी जाते हैं फैंस उन्हें घेर लेते हैं। शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए उनके फैंस हमेशा बेकरार रहते हैं, लेकिन उनके फैंस से किंग खान को प्रोटेक्ट करते हैं उनके बॉडीगार्ड रवि सिंह। रवि लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन शाहरुख के साथ वो परछाई की तरह साथ चलते हैं। सलमान के बॉडीगार्ड सेरा की तरह रवि इतने फेमस तो नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी बॉलीवुड के बॉडीगार्ड्स में सबसे ज्यादा है। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह लगभग 9 साल से उनके साथ है। रवि से पहले शाहरुख खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी यासीन के पास थी, लेकिन उन्होंने खुद का काम शुरू कर अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली, जिसके बाद शाहरुख खान को दूसरा बॉडीगार्ड तलाशना पड़ा जो कि उनको पूरी तरह से सुरक्षा दे सके। वहीं अगर रवि की सैलरी की बात करें तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रवि की सालाना सैलरी 2.7 करोड़ रुपए है। ये सैलरी सलमान खान के बॉडीगार्ड सेरा से भी कहीं ज्यादा है। रवि सिंह शाहरुख खान के लिए बहुत मायने रखते हैं। शाहरुख भी रवि को अपने परिवार की तरह मानते हैं, वो उनकी हर सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए सेलिब्रिटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।